नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और 2022 के महादंगल में आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां चुनाव के पहले चरण के वोट डाले जाने हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गुणागणित किस तरीके का है, समझाएंगे आपको सरल शब्दों में। लेकिन सबसे पहले नजर सियासी सुपरफास्ट पर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार दिया स्लोगन, सीएम योगी अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। थीम सॉन्ग लॉन्च के मौके पर बोले सीएम योगी, कहा हर वर्ग के लिए किया काम, जनता से किए वादे पूरे किए। यूपी में कांग्रेस का सीएम फेस हो सकती है प्रियंका गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बड़ा बयान, पूछा मेरे अलावा दिखता है कोई चेहरा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, 8 लाख महिलाओं को मिलेगी नौकरी। कांग्रेस ने शिक्षकों के सभी खाली पद भरने का किया वादा, कहा परीक्षा में धांधली और घोटालेबाजों पर लगेगी रोक। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा मोदी सरकार का विजन फेल, कांग्रेस पार्टी ही देगी अच्छा विजन। प्रियंका गांधी ने कहा युवाओं से बात करके तैयार किया मैनिफेस्टो, रोजगार पर दिया है जोर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी में निवेश का बेहतरीन माहौल बना, अब दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर दिखते हैं। सीएम योगी ने कहा गरीबों को मुफ्त बिजली रसोई गैस कनेक्शन दिए, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, आगरा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रज क्षेत्र की बैठक, 2 सत्रों में चुनावी रणनीति पर चर्चा, पार्टी ने अब की बार 60 पार का तय किया है लक्ष्य। आगरा में बीजेपी नेताओं से मंथन के पहले तेजेश्वर मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, भगवान शिव की विधि विधान से की पूजा। आगरा में जेपी नड्डा की बैठक से पहले हंगामा, टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता शिव कुमार का फूटा गुस्सा, भेदभाव का लगाया आरोप। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा पलायन नहीं प्रगति चाहती है जनता, एसपी मुक्त प्रदेश ही संकल्प। सीएम योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का बड़ा दाव, गोरखपुर सिटी से सुभावती शुक्ला को एसपी उम्मीदवार बनाया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की न्यूज नेशन से खास बातचीत, कहा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का कर रहे हैं पालन, डिजिटल तकनीक से कर रहे हैं प्रचार। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का समाजवादी पार्टी पर हमला, वोट के लिए भ्रम फैलाने का कर रहे हैं काम। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मिली बहू अपर्णा यादव, नई पारी की शुरुआत से पहले पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजेपी में 2 दलों का हुआ विलय, 5 संगठन ने समर्थन देने का किया फैसला, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी और किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी ने किया विलय। बिजनौर सदर सीट पर एसपी आरएलडी गठबंधन में दरार, दोनों दलों ने उतारे प्रत्याशी, एसपी ने रमेश तोमर तो आरएलडी ने नीरज चौधरी को दिया टिकट। यूपी से मुंबई तक सीएम योगी का दिखा क्रेज, मुंबई में यूपी के कई नागरिकों ने बीजेपी को वोट देने के लिए ट्रेन का टिकट कराया। सीट शेयरिंग पर संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले निषाद पार्टी के कुछ प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। मथुरा में बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश का विरोध, गांव वालों ने विकास काम में अनदेखी का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। रामपुर से कांग्रेस से एसपी में गए अली यूसुफ ने प्रियंका गांधी से मांगी माफी, अखिलेश यादव पर गुमराह करने का लगाया आरोप। और विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, यूपी में 58 सीटों पर 10 फरवरी को पड़ेंगे वोट, दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो 2022 के महादंगल में आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में पहले चरण में वोट डाले जाने हैं और यही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां जाट और किसानों को अपने साथ लाने के मकसद से समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ आए। लेकिन इस गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं सियासी घमासान मचा हुआ है गठबंधन के भीतर ही, मेरठ से लेकर मथुरा तक क्या कुछ है हालात, ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, दिखाते हैं आपको। अखिलेश यादव जयंत चौधरी, अखिलेश यादव जयंत चौधरी। इसे कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन हुए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद बढ़ गया। मेरठ की बात करें तो यहां विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। यहां एसपी और आरएलडी में जो फॉर्मूला तैयार हुआ था उसके तहत एसपी के खाते में 5 सीट और आरएलडी के खाते में 2 सीट गईं। लेकिन जब टिकट बंटवारे में यहां जाट समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया तो जाट नाराज हो गए,
जाट महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया और गठबंधन को हराने की चुनौती दे डाली। जिले में 5 के 5 सीट उन्होंने अपने लिए ले ली, जो एक सीट ऐसी है जहां हमेशा ज्यादातर हमारे लोगों का कैंडिडेट जीता, हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीता, पूर्व में चाहे हमारी पार्टी का कुछ भी नाम रहा हो, उसमें भी हमें नजरअंदाज किया गया। तो जो कार्यकर्ता है वो हमारे नेतृत्व की वजह से नहीं, जमीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने पिछले 5 साल संघर्ष किया, डंडे खाए, मुकदमे हुए, जिन पे जो जेल गए, गोलियां खाई, वो ठगा महसूस कर रहा है। पश्चिमी यूपी को जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है और किसान आंदोलन के बाद से ही यहाँ राजनीति गर्म है। कई सीटों पर यहाँ जाट किसान जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं और SPRLD ने इसी का फायदा उठाने के लिए गठबंधन किया है। लेकिन मेरठ में टिकट बंटवारे में जब जाटों को दरकिनार कर दिया गया तो जाट आग बबूला हो गए। मिले क्या दिल भी मिल गए हैं। मेरठ की सिवाल खास सीट को लेकर रालोद के भीतर उपजा असंतोष क्या वास्तव में थम गया है। हालांकि ऊपरी तौर पर जाट नेताओं ने कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वो RLD के टिकट पर मेहनत से लड़ाएंगे, ये ऊपरी बातें हैं। जयंत के घर पर प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन 10 मार्च ये फैसला कर देगा कि वास्तव में जाटों ने क्या मुस्लिम नुमाइंदगी को वहाँ अपनी सरपरस्ती स्वीकार कर ली है। जाटों की नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए और समीकरण गड़बड़ा ना जाए तो आनन फानन में RLD ने मेरठ कैंट सीट पर जाट उम्मीदवार राजकुमार सांगवान को टिकट दे दिया, लेकिन दूसरी सीट सिवाल खास पर पेच फंस गया। ये सीट RLD के खाते में थी, लेकिन यहाँ SP ने RLD के सिंबल पर अपने उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बना दिया, जिससे SP RLD में विवाद बढ़ गया। यहाँ गठबंधन धर्म को पारदर्शी तरीके से ना निभाने के लिए गठबंधन के नेताओं के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व ना मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है। मेरठ की तरह ही मथुरा की मांड सीट पर भी SP और RLD गठबंधन में खींचतान देखी जा रही है। यहां पहले RLD ने पहले योगेश नौहवार को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन SP ने सीट पर MLC डॉक्टर संजय लाठर को उम्मीदवार घोषित कर दिया। हमारा गठबंधन है, पहले ये सीट चली गई थी, एक बार पहले हमारे पास थी, फिर कुछ सरकमस्टांसेस हुए, ये सीट चली गई थी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में एक दिन के लिए। उसी टाइम पर उन्होंने माननीय योगेश नौबार जी को AB फार्म दे दिया था, लेकिन अगले दिन ही वापस समाजवादी पार्टी के खाते में, नेताओं की सहमति समाजवादी पार्टी खाते में आएगी और मुझे समाजवादी पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। संजय लाठर ने नामांकन किया तो घमासान बढ़ गया। RLD अध्यक्ष ने योगेश नौहवार को नामांकन वापस लेने को कहा, लेकिन योगेश नौहवार ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा गया कि पर्चा वापस ले लीजिए, तो मैं पर्चा वापस लेने के मूड में नहीं हूँ, पर्चा वापस नहीं लूंगा किसी भी कीमत पे। मुझे अब मेरे स्वाभिमान की बात है, पर्चा अगर वो खारिज कराना चाहें तो खारिज करा सकते हैं, लेकिन मैं वापस नहीं। मथुरा की मांड सीट पर योगेश नौहवार 2017 में भी चुनाव लड़े थे और हार हुई थी। इस सीट पर BSP का कब्जा है और इस बार SP RLD गठबंधन इस सीट को BSP से छीनने की कोशिश में है, लेकिन चुनाव से पहले ही मांड सीट को लेकर गठबंधन में तकरार मची है। गठबंधन में यही विवाद जेवर सीट पर भी है। यहां BJP छोड़कर RLD में शामिल हुए गुर्जर नेता अवतार सिंह बढ़ाना ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने पर उनके नामांकन वापस लेने की खबर आई, जिसके बाद किसी और उम्मीदवार को नाम का ऐलान होना था, लेकिन गुरुवार रात ही बढ़ाना ने ट्वीट कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे, जिससे SP और RLD गठबंधन में सीट को लेकर तनाव बढ़ गया है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी तक RLD कई प्रत्याशी बदल चुकी है और जिन उम्मीदवारों को बदला गया है उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है और जो खुलकर सामने भी आ रही है। गठबंधन में मचे इस घमासान पर BJP को उम्मीद है कि इस बार भी पश्चिमी यूपी में कमल खिलेगा। मेरे किसान हमसे नाराज नहीं है, मेरे अन्नदाताओं का आशीर्वाद भाजपा पर है और भाजपा पर था।
का एक ही लक्ष्य होता है, भाजपा को रोको, अन्यथा ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, दंगा नहीं करने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। सुरक्षा भाजपा ही दे सकती है और यह 5 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया है, इसलिए जनता फिर से मांगे भाजपा को मांग रही। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और यहां विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, मगर जिस तरह गठबंधन में चुनाव से पहले ही तकरार देखने को मिल रही है, वो गठबंधन के लिए कहीं आत्मघाती ना हो जाए। टीम न्यूज नेशन को दिखाया जेवर से आरएलडी के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को लेकर भी किस तरीके की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना ये तो मान रहे हैं कि सपा और आरएलडी के गठबंधन में दरार जरूर है, तनाव जरूर है। क्या कुछ कहा अवतार सिंह भड़ाना ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में, सुनाते हैं आपको। जेवर विधानसभा से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। भड़ाना जी, सबसे पहला सवाल, एक जो सस्पेंस कल क्रिएट हुआ था, आपने सीट छोड़ने की बात कही और फिर वापसी हुई, इसकी वजह क्या है? देखिए, सीट छोड़ने की बात मैंने कभी नहीं कही। मुझे कल कोविड के लक्षण आए, मुझे नज़र आए, और जब कोविड के लक्षण आए तो मुझे लगा कि मैं ऐसे सूरत में, आज देश और दुनिया कोविड से बहुत बुरी हालत में है, मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता और मेरे क्षेत्र की जनता को मेरी कोविड होने के कारण उनको क्षति पहुंचे या उनकी जान खतरे में पड़े। तो मैंने ये ज़रूर कहा था अपने स्टाफ को, लोगों को, यहीं मैं घर से निकला था, सबको कहा कि ऐसे लक्षण हैं मेरे साथ, मुझ में आए हैं, मैं दिल्ली इसके चेकअप के लिए जाऊँगा। मैं अपना दिल्ली गया तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नेगेटिव हूँ, मुझे लक्षण थे ही नहीं कभी। और मैंने फिर उसी बात को लेकर, क्यों उस वक्त मैंने ज़रूर कहा था कि पार्टी हाईकमान को भी और अपने स्टाफ को, कि ऐसी कोविड की सूरत में मेरे लिए क्षेत्र की जनता का ज़्यादा ख्याल रखना है, कोविड के जो भी हमारे कायदे कानून हैं उनको बचाना। और मैं नहीं समझता था कि कोविड के रहते मैं लोगों को कोविड का शिकार बनाऊं, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाकर अगर मैं एमएलए बनना चाहूं तो मेरे हृदय और मेरी ज़मीर अलाव नहीं करती थी, इसलिए कहा। आज मैं फिर उनसे माफ़ी चाहता हूं कि मेरे देश भर में लोग हैं, करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों को तकलीफ़ पहुंची, उनको हजारों घर ऐसे होंगे, लाखों लोग होंगे जिनके घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने खाने नहीं खाया। मुझे, मेरा कुल स्थान है मोहन राम बाबा, उनके कृपा से, और मैं अभी उस मंदिर से आ रहा हूँ कि उनकी कृपा से और जनता की जो प्रार्थना हुई उससे मैं नेगेटिव हूँ और मैं अब जनता के बीच गया हूँ। और जो लोग ये सोचते थे कि एक उम्मीदवार शायद चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वो शायद अपना मैं कहूँगा कि वो अपना आपा खो बैठे और वो इतने सतर्क पर गिर गए। मैं इतनी गिरी हुई राजनीति नहीं करता हूँ, धन और दौलत कमाने के लिए राजनीति करता हूँ। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जिसने जो भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा के प्रयोग को तो मेरे क्षेत्रवासी जवाब देंगे। हमारा लक्ष्य एक सरकार, गठबंधन की सरकार बने। अगर यहाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अंतर हुआ है तो उसमें चाहे सपा का हो, बस सपा ने, माने अखिलेश जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि गठबंधन को मजबूती मिले, उसके लिए अगर सीटों के बंटवारे में कोई अंतर आता है कहीं तो उसको बैलेंस करने के लिए, चाहे उम्मीदवार किसी घटक का हो और चाहे अखिलेश जी का हो, उन घटकों में कई जगह ऐसा किया है उन्होंने कि उस घटक में आई है सीट जयंत भाई की और उम्मीदवार हैं उनके, मिलके हमने एक समीकरण बना दिए, गठबंधन मजबूत गठबंधन है। चलिए, तो सब कुछ सामान्य है, अवतार सिंह भड़ाना ये दावा कर रहे हैं, देखना होगा कि जमीन पर किस तरीके के हालात हैं। लेकिन इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुत्व का जो पूरा समीकरण है उसको फिट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का जो अब तक का सियासी समीकरण है वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर विपक्ष ने एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, लिहाजा ध्रुवीकरण को लेकर तमाम तरीके की अटकलें दिखनी शुरू हो चुकी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
पश्चिमी यूपी का गढ़ जहां मुस्लिम और जाट समीकरण अहम माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अगर 300 से ज्यादा सीटें मिली थी तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 76 सीटों और जाट वोटर का अहम योगदान था, क्योंकि जाट समीकरण को साधने के साथ साथ बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर यहां बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसका फायदा उठाने की कोशिश में एसपी आरएलडी ने गठबंधन किया है। पश्चिमी यूपी के वोट समीकरण की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम वोटर 23%, दलित वोटर 19%, जाट वोटर 12%, गुर्जर 4%, ब्राह्मण 7-8%, यादव 5%, राजपूत 4-5% और लोधी 4% है। इस समीकरण के लिहाज से मुस्लिम वोटरों की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने यहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जबकि विपक्ष ने मुस्लिमों को पहले चरण में कई सीटों पर टिकट देकर उन्हें साधने की कोशिश की है। एसपीआरएलडी गठबंधन ने 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो बीएसपी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतरे हैं, वहीं ओवैसी के एआईएमआईएम के 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। विपक्ष भले ही इसे मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश मान रहा है, लेकिन इस बार भी यही बीजेपी के लिए फायदा दिलाता दिख रहा है, क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। वजह यह है कि कई सीटों पर 2-3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं। 58 में से 17 सीटों पर 2 या उससे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, तो 8 सीटों पर एसपीआरएलडी और बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों के एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी पहले ही 80 और 20 का नारा देकर चुनावी समीकरण को साध रही है और अब विपक्ष भी उसकी इस रणनीति के फेर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण की बात करें तो जाट वोटरों की संख्या 12% है, जिसे एसपीआरएलडी के साथ गठबंधन करके साधने की कोशिश में है। भले ही किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को जाट वोट का कुछ नुकसान उठाना पड़े, लेकिन इसकी भरपाई बीजेपी दलित, लोधी और गुर्जर वोट बैंक को साध कर सकती है, जिनका वोट प्रतिशत 25% से ज्यादा है। ऐसे में ये संभावना दिख रही है कि कहीं पश्चिमी यूपी में इस बार का चुनाव भी 2017 के चुनाव जैसा ही ना हो जाए, जब मुस्लिम वोट बढ़ गए थे और बाकी वोट बैंक बीजेपी के खाते में चला गया था। फिलहाल सबकी निगाहें 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग और 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर टिक गई हैं। टीम न्यूज नेशन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।